आजमगढ़ उत्तराखंड की बड़ी खबर है तो उत्तराखंड बोर्ड के मेधावियों को लैपटॉप के लिए 40,000 देंगे। तो प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड के मेधावियों को सरकार लैपटॉप के लिए 40,000 रुपये देगी। दसवीं और बारहवीं के मेधावी छात्र छात्राओं के खाते में DBT के माध्यम से इस सप्ताह यह रकम दे दी जाएगी। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी के मुताबिक विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मेधावी छात्रों को DBT के माध्यम से लैपटॉप की रकम दी जाए। प्रदेश सरकार की ओर से उत्तराखंड बोर्ड के वर्ष 2019-20 के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए जाने का निर्णय लिया गया था। दूसरे दिन भी भीड़, हिंसा, पुलिस की मौजूदगी में युवक की हत्या। तो कपूरथला से खबर आई है, पंजाब में लगातार दूसरे दिन बेअदबी के आरोप में हुई भीड़ हिंसा में एक और युवक की जान चली गई। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में शनिवार को हुई घटना के बाद दूसरी घटना कपूरथला में हुई है। 23 को उत्तराखंड आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त चंद्रा। तो 23 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा पूरी टीम के साथ उत्तराखंड के 2 दिनी दौरे पर आएंगे। वह जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक के साथ बैठकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे, साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। भीषण ठंड से ठिठ रहा पूरा उत्तर भारत। तो पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली NCR सहित पूरा उत्तर भारत भीषण सर्दी की गिरफ्त में है। अगले 3 दिन तक जमाने वाली ठंड से उत्तर भारत में राहत की कोई आसार नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 7 आए कर्मचारी संगठन। तो 30 दिसंबर से पहले तय होगा आंदोलन का कार्यक्रम। मुक्त विश्वविद्यालय में गड़बड़ी की शिकायत राजभवन पहुंची। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों का मामला राजभवन पहुंच गया है। भाकपा माले की गढ़वा सचिव इरेंद्र मैखरी ने कुलाधिपति को भेजे पत्र में कहा कि विश्वविद्यालय में तमाम नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप हैं। लंबित मांगों पर अमल नहीं होने से गेस्ट टीचर नाराज। तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों ने लंबित मांगों पर अमल न होने पर नाराजगी जताई है। शिक्षकों ने कहा कि उनके पदों को खाली न माने जाने को लेकर के कैबिनेट में 2 बार चर्चा हुई, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है। चेतावनी दी कि कोई कदम न उठाया तो शिक्षक आंदोलन को बाध्य होंगे। अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों ने की नियमित करने की मांग। तो तदर्थ शिक्षक संघ ने अशासकीय स्कूलों में 426 तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने की मांग की है। प्रदेश में 13 और लोग हुए संक्रमित। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 13 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 5, नैनीताल व उधमसिंह नगर जिले में 3, हरिद्वार व पिथौरागढ़ जिले में 1 संक्रमित मिला, जबकि 9 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। चुनावी तैयारी परखने के लिए नड्डा 26 को आएंगे देहरादून। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा खुद मोर्चे पर उतरने जा रहे हैं। वह 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे। उत्तराखंड में बढ़ी युवा मतदाताओं की संख्या। तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में और अधिक संख्या में युवा मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग की मुहिम में बड़ी संख्या में युवाओं ने पंजीकरण कराकर अपना वोट बनवाया है। टैबलेट की राशि देने के लिए बनाए नोडल अफसर। तो बच्चों को टैबलेट देने को कुछ विधानसभा क्षेत्रों के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना दिया गया है। CBI का अधिकार क्षेत्र और शक्ति बढ़ाने की तैयारी। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां बढ़ाने की तैयारी है। कार्मिक और लोक शिकायत विभाग से जुड़ी संसद में स्थायी समिति ने CBI से पूछा कि उसके प्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा उसे और शक्ति देने के लिए किस तरह का कानून लाएँ या कानून में संशोधन करने की जरूरत है। चमोली में बर्फीली आंधी से 17 घरों की छत उड़ी। तो चमोली जिले के दूरस्थ गांव पाणा इरानी में शनिवार देर रात बर्फीली आंधी से भारी नुकसान हुआ है। आंधी से 17 से अधिक घरों और गौशालाओं की छत उड़ गई। कड़ाके की सर्दी में ग्रामीणों ने रात खुले आसमान के नीचे बिताई। उत्तराखंड के 6 हेलीपैडों पर बनाए जाएंगे हेलीपोर्ट। तो उत्तराखंड के 6 हेलीपैडों पर हेलीपोर्ट बनाने के लिए बजट जारी कर दिया गया है। इन हेलीपैड पर नियमित हवाई सेवा के संचालन के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने क्रिकेटर ऋषभ पंत। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेलकूद व जन स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने को टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। धामी ने पंत को मुलाकात के लिए भी आमंत्रित किया है। हथियारों से लैस ड्रोन देश में ही तैयार होंगे तो दुश्मन पर बम और मिसाइलों से हमले करने में सक्षम होंगे, 10 साल के भीतर तैयार करने का लक्ष्य है। पहली डोज वालों को अब केवल कोवैक्सीन लगेगी। तो कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य जल्द पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हर घर दस्तक अभियान चलाकर छोटे लोगों को टीका लगवाया जा रहा है। वहीं टीकाकरण जल्द पूरा हो इसके लिए अब पहली डोज वालों को केवल कोवैक्सीन की डोज देने का फैसला लिया है। होटल बना कंटेनमेंट जोन। तो किशनपुर गांव के पास स्थित एक होटल में ठहरे विदेशी नागरिकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर शनिवार रात से ही होटल के सभी कर्मचारी के सैंपल लिए गए हैं। जिस कंपनी में विदेशी नागरिक विजिट के लिए आया था उस फार्मा कंपनी के लोगों के सैंपल लिए जाने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया है। होटल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर बोले पारदर्शी तबादला कानून बने। तो प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उठी मांग। गैस एजेंसियों की मनमानी से उपभोक्ता हो रहे परेशान। तो शहर के कुछ गैस एजेंसी की मनमानी से उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस एजेंसी समय से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी नहीं कर रही है। एनएचएम कर्मियों का मंत्री आवास पर धरना। तो अफसरों ने आज मंत्री से वार्ता कराने का दिया है आश्वासन। 5 महीने में सभी घोषणाएं का जियो जारी करेंगे। तो धामी बोले आशा आंगनवाड़ी और भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया। 24,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है सरकार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने अपने 5 माह के कार्यकाल में जितनी घोषणाएँ की हैं उन सभी का शासनादेश जारी हो गया है। कुछ शासनादेश जारी हो गए हैं, जो बचे हैं उनका भी शासनादेश जल्द जारी होगा। शासनादेश की प्रक्रिया लंबी होती है इसलिए इसमें देरी हो रही है। सरकार की मंशा साफ है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों से लेकर के आशाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ओपनल कर्मियों पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाने का शासनादेश जारी हो गया है। अन्य मामले में भी काम चल रहा है। नुमाइश खेत मैदान में रविवार को आयोजित विजय संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने यह बात कही। सीएम धामी ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार और बागेश्वर से शुरू हो रही है। यात्रा में जनता की भीड़ यह बता रही है कि बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। धामी ने कहा कि 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जल्द पुलिस भर्ती से लेकर अन्य विभागों की भर्ती शुरू होंगी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 10वीं और 12वीं तथा सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को जल्द टैबलेट दिए जाएंगे। अतिथि शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। अतिथि शिक्षकों ने लंबित मांग पर अमल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। 4 महीने में 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निपट जाएगी। तो अपने अल्प कार्यकाल में तीसरी बार जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 24,000 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया आने वाले 4 महीने के भीतर संपन्न हो जाएगी। 24,000 बेरोजगारों के पास सरकारी रोजगार होगा। पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला देहरादून में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें विज्ञापन तिथि के 21 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें प्रवक्ता हिंदी के एक पदों पर भर्ती होगी, जहां जिसमें एक पद अनुसूचित जाति के हैं। वहीं प्रवक्ता भूगोल में एक पद है जिसमें सामान्य जाति के लिए है। तो इसमें जो वेतन मिलेगा वो 47,600 से लेकर के 151,100 तक दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद खाली हैं। साथ ही भौतिक विज्ञान के पदों पर भर्ती होनी है। इसके साथ ही सहायक अध्यापक LT हिंदी के भी पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए योग्यता वही रखी गई है। अगर बात करें प्रवक्ता की तो यहाँ पर किसी भी विद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें सहायक अध्यापक के लिए तो सहायक अध्यापक के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही यूटेट या फिर सीटेट भी होना चाहिए। इसी के साथ सहायक अध्यापक LT में सामान्य की भी भर्ती निकली हुई है, वहीं कला की भी भर्ती निकली हुई है। तो इस प्रकार से यहां पर पूरी जानकारी इस पर देख सकते हैं और 21 दिनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज यहां पर दिया गया है कि 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जिला लेखा प्रबंधन एवं अन्य पद खाली, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती, तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर रेजिडेंट के पदों पर अवसर, तो 557 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर के पदों पर रिक्तियाँ, तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC के द्वारा 6 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाली को तेज होगा आंदोलन, तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की बैठक में तय हुआ कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आंदोलन तेज होगा। 30 दिसंबर से पहले प्रदेश स्तर पर मशाल जुलूस जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। मुफ्त बिजली के मुद्दे पर आपने हरक को घिरा, तो प्रदेश में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर अमल न करने को लेकर आम आदमी पार्टी ने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत को घिरा है। मैदानी इलाकों में अगले दो दिन शीतलहर से राहत नहीं, तो उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अगले दो दिन भी शीतलहर से राहत की उम्मीद नहीं है। कैबिनेट के बाद जारी होगा पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति, तो पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को अभी विज्ञप्ति निकलने के लिए कुछ और दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार भर्ती में आयु सीमा को लेकर के चल रही मांग को देखते हुए सरकार 24 दिसंबर की कैबिनेट में कुछ निर्णय ले सकती है। ऐसे में अभी अधीन सेवा चयन आयोग 24 से पहले विज्ञप्ति जारी करने के मूड में नहीं है। शनिवार को शासन की ओर से पुलिस कांस्टेबल और दरोगा के 1718 पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय को मंजूरी दी गई है। शासन ने मुख्यालय से यह भी कहा कि जल्द ही इन पदों पर अध्याचन भेजकर अधीन सेवा चयन आयोग से विज्ञप्ति जारी करने को कहा जाए। हालांकि शासन की ओर से इस भर्ती में आयु सीमा में बदलाव की कोई बात नहीं कही गई, लेकिन लंबे समय से प्रदेश के युवा बेरोजगार आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर लगातार कई संगठन आंदोलन भी कर रहे हैं। किराएदारों का नहीं कराया सत्यापन सत्र का चालान, तो देहरादून से खबर आई है। महाराष्ट्र से धोखाधड़ी के आरोपी युवक युवती बरी, तो 2011 में महाराष्ट्र के राजनीतिक सचिव ने दर्ज कराया था केस। हर शहर को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए घटाया वेट, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को दिया यूथ आइकन अवार्ड। रायपुर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आगाज हुआ, पहले दिन येलो और रेड टीम ने जीते क्रिकेट मैच। ड्राइवर कंडक्टर को आवेदन के एक माह बाद भी नहीं मिली मदद, तो परिवहन विभाग में आर्थिक सहायता से वंचित ड्राइवर कंडक्टरों से एक महीने पहले आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अभी तक उनको मदद की एक भी किस्त नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड में डाक से आएंगे मतदाता पहचान पत्र, तो अब मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड की तर्ज पर डाक के जरिए भेजे जाएंगे। अब तक BLO मतदाताओं को यह सेवा देते थे। भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक मतदाता को उसका मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराता है। अब तक BLO मतदाता को उसका पहचान पत्र उपलब्ध कराते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार BLO की लापरवाही की शिकायत भी आती रहती थी, जिस कारण मतदाता को समय रहते पहचान पत्र नहीं मिल पाते थे। इस कारण आयोग ने अब वोटर कार्ड वितरण की व्यवस्था बदल दी है। अब वोटर कार्ड मतदाता द्वारा दिए गए पते पर डाक के जरिए भेजे जाएंगे। 16 जनवरी को होगा उत्तरायणी कार्यक्रम, तो कुर्मांचल संस्कृति एवं संरक्षण समिति ने रविवार को बसेरा फार्म हाउस बड़ोवाला प्रेमनगर में उत्तरायणी कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से बैठक की है। दून में गूंजे हरियाली नहीं तो वोट नहीं के नारे, तो सहधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए हरे पेड़ काटने के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। भाजपा और कांग्रेस में यात्राओं की सियासी जंग, तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनावी यात्राओं को लेकर के सियासी जंग तेज हो गया है। रावत बोले उत्तराखंड की बेटियों के हाथों में दराती नहीं, फोन देगी इस कांग्रेस। तो विजय सम्मान समारोह के शुभारंभ पर पिथौरागढ़ पहुंचे पूर्व CM हरीश रावत ने सरकार की घसियारी योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा सरकार की घसियारी योजना का कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी तो वे बेटियों के हाथ दराती नहीं एंड्रॉयड फोन देंगे। वहीं खबर यह है, गोपेश्वर से दुकानों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापे मारे। पौड़ी में SSP चौहान ने कार्यभार संभाला। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के
यहाँ पे एक विज्ञप्ति जारी की गई है, इसमें नियुक्ति पत्र अपलोड किया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों ने 23, 11, 9, 12 और 10, 12 को शैक्षणिक प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच कराई थी, तो उसमें अर्य जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर अपलोड कर दी गई है। तो वे अपने नियुक्ति पत्र डाउनलोड करके निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। वही खबर है, श्रीनगर से परीक्षा के दौरान छात्र का चोरी हुआ फोन प्रोफेसर के घर मिला। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें प्रोफेसर पर चोरी के आरोप लगे हैं। यहां परीक्षा के दौरान एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक छात्र का मोबाइल चोरी हो गया था। छात्र की शिकायत पर सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो एक प्रोफेसर मोबाइल चोरी करते हुए देखा गया। जब प्राचार्य डॉक्टर सीएमएस रावत ने प्रोफेसर के कमरे में जाकर जाँच की तो वहाँ 5 और मोबाइल मिले। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीएमएस रावत ने बताया कि कॉलेज के एक विभाग के प्रोफेसर द्वारा परीक्षा हॉल में विगत 15 दिसंबर को एक छात्र का मोबाइल चोरी कर दिया गया। मोबाइल चोरी की शिकायत पर छात्र द्वारा की गई तो सीसीटीवी कैमरे में प्रोफेसर मोबाइल को अपनी जेब में रखते हुए देखे गए। तो शिकायत पर सीसीटीवी की पड़ताल में पकड़ में आया मामला, जाँच कमेटी गठित की गई है। नारायणनगर से खबर है, चोरों ने जेवरात पर हाथ साफ किया। जाखणीधार की बीडीसी बैठक 29 को होगी। नाबालिग लड़की को परिजनों को सौंपा थाना क्षेत्र के गुमशुदा नाबालिग लड़की को पुलिस ने ढूंढकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से शराब परोसने पर दुकानदार पर केस दर्ज हुए हैं। फरसों में वैभव निशान यात्रा 65 साल बाद शुरू। तो गैरसैंण से खबर रही है, वहीं खबर है, नई टिहरी से प्रीतम भरतवाण के गीतों पर थिरके लोग। इसी साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती चंपावत को लेकर खबर आई है, इसमें काउंसलिंग के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। तो वेटिंग लिस्ट जारी स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर की गई है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है उन्हें 27/12 को कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार में 11 बजे पहुँचना है। अल्मोड़ा ठंड में बिजली पानी को तरसे तो बिल चुकाने के बाद भी पूरा पानी नहीं मिल रहा है। वही खबर है, सोमेश्वर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती खाई में गिरने से घायल हो गई। सेमेस्टर परीक्षाओं को आवेदन 27 तक, तो विश्वविद्यालय के परिसर संबंध महाविद्यालय संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 की स्नातक और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 10 दिसंबर से बढ़ाकर के 27 दिसंबर तक कर दी गई है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2 जनवरी को होगी। तो ऐसे विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तिथि संशोधित कर 2 जनवरी कर दी गई है। परीक्षा पहले 19 दिसंबर को तय थी। पैराग्लाइडिंग का आयोजन आज से, तो आर्मी ग्राउंड पिथौरागढ़ में 20 से 24 दिसंबर तक पैराग्लाइडिंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोदी अटल राष्ट्रवाद के नाम पर मांगे वोट। तो बागेश्वर से खबर आई है, वही खबर आई है, बागेश्वर से काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेसी गिरफ्तार हुए हैं। अल्मोड़ा के सटर लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीत रचा इतिहास। मधु महोत्सव में अल्मोड़ा के 5 किसान सम्मानित किए गए हैं। बिनसर समेत कई स्थानों पर पारा माइनस में पहुंचा, ठंड बढ़ गई। एमबीपीजी कॉलेज 1600 छात्रों को प्रवेश, शिक्षक एक भी नहीं। तो एमबीपीजी कॉलेज में संध्याकालीन सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हो गई। वही खबर है, टनकपुर से एससी भोजन माता की नियुक्ति पर विवाद, बच्चों ने छोड़ा खाना। तो राजकीय इंटर कॉलेज सूखी डांग में अनुसूचित जाति की भोजन माता की नियुक्ति से बखेड़ा हुआ है। मुंशियारी पिथौरागढ़ से खबर है, सीडीओ की गनर की बंदूक से चली गोली, अफरा तफरी मच गई। रेलवे की सुरंग के लिए किए जा रहे विस्फोटों से गांव पर संकट। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, गांव छोड़ने के लिए लोग मजबूर हैं, 19 परिवार अन्यत्र ले चुका है शरण। कुदरत ने पेड़ों की पत्तियों पर टांके सफेद फूल, तो जोशी मठ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेड़ों की पत्तियों पर जम गया है पाला। इंडियन आइडल फैम पवनदीप और अनुका ने किए ओंकारेश्वर के दर्शन। ओली में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक होटल फुल। तो क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर के ओली के अधिकांश होटल और लॉज की बुकिंग फुल हो गई है। मुख्यमंत्री धामी आज मसूरी में करेंगे पार्किंग का लोकार्पण।
सोमवार को दुकानें बंद रखेंगे प्रेमनगर की व्यापारी। तो प्रेमनगर के व्यापारी सोमवार को अब अपनी दुकानें बंद रखेंगे। प्रेमनगर व्यापार मंडल की रविवार को ही बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है। आज भीषण ठंड से मिल सकती है थोड़ी राहत। अब वन्य जीव संस्थान के शोधार्थियों को डिग्री देगा दून विश्वविद्यालय। CBSE जनवरी में आएगा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा टर्म फर्स्ट परीक्षाओं के नतीजे बोर्ड परीक्षाओं के खत्म होने के बाद जारी हो जाएंगे। सस्ते मोबाइल का लालच देकर सिपाही को ठगा। तो देहरादून से खबर है, आरोपी को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने यूपी के हाथों से किया गिरफ्तार। वही खबर है, त्यूनी से त्यूनी में कार खाई में गिरी, एक की मौत। तो वीनस मोटर मार्ग पर एक कार के खाई में गिरने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी में झलके उत्तराखंड के संस्कृति के रंग। वही खबर है, कर्ण घाटी से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। पीपलकोटी से खबर आई है, बिरही में भालू ने गौशाला तोड़ करके चार मवेशी मार डाले। घनसाल से खबर है, युवती से दुष्कर्म का आरोपी युवक भेजा जेल। तो भिलंगना ब्लॉक क्षेत्र की एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। श्रीनगर के आर्यन को पावर लिफ्टिंग में मिले 2 गोल्ड। तो हरिद्वार में संपन्न हुई नॉर्थ इंडिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। फ्री बिजली पर कोठियाल की भाजपा कांग्रेस को चुनौती। उत्तराखंड में कैसे देंगे बिजली, खुली बहस के लिए आए सीएम धामी और पूर्व सीएम हरीश रावत। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो रात में शीतलहर से कपाया, दिन में धूप से रात। तो शनिवार रात न्यूनतम तापमान पहुंचा 4 डिग्री। शिक्षकों की भर्ती पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। तो अशासकीय कॉलेजों में शिक्षक भर्ती में बड़ा खेल होने का मामला प्रकाश में आया है। अभ्यर्थियों ने ही अशासकीय कॉलेजों में चल रही भर्ती के लिए तैयार होने वाली मेरिट सूची को सार्वजनिक नहीं करने की शिकायत शासन से की है। मांग की गई कि इंटरव्यू पर रोक लगाकर पहले मेरिट सूची सार्वजनिक की जाए। इन दिनों जनपद के लगभग 25 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती चल रही है। जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों और इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं की भर्ती की जा रही है। अभ्यर्थी भगवानपुर निवासी किशोर सिंह आदि ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जोनसारी से भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए शिकायत की। शिकायत में कहा कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से मेरिट सूची को छुपाया जा रहा है। बात करता हाल दवा नैनीताल की खबरों की। तो गुस्सा स्टोन कर्सर बंद कराएं। तो खनन कारोबारियों ने विधायक आवास का घेराव किया। वहीं खबर है, रामनगर से अस्पताल में केस को बताया गंभीर, घर में नॉर्मल डिलीवरी। तो महिला के पति ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। कोहरे के कारण ट्रक से टकराई रोडवेज की बस। तो हल्द्वानी से खबर आई है, क्रिसमस पर शटल सेवा में नैनीताल आएंगे सैलानी। वहीं खबर है, हल्द्वानी से 2 बाइकों में आग लगाई। तो दुकानों के ताले तोड़े, पुलिस ने कहा नशेड़ियों की करतूत है। हल्द्वानी सीट से 10 दावेदार हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ के सीडीओ के गनर की बंदूक से चल गई गोली, डर के मारे जंगल की ओर भागे पर्यटक और स्कीइंग प्रतिभागी। बस स्टेशन के छोर से टैक्सी में सवारी भरने पर लगी रोक। किसान सम्मान रैली में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हुंकार। तो कांग्रेस शासनकाल के लिए किए गए विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकी भाजपा। वही खबर है, गड़ाई गंगोली ऐसे BSF जवान की सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। पिथौरागढ़ के आशुतोष बने वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर। ओमिक्रॉन दिसंबर के तीसरे हफ्ते में भी रानीखेत के होटल खाली हैं। बात करते हैं उदयपुर नगर की खबरों की। तो सितारगंज में 3 बहनें कोरोना संक्रमित निकली हैं। हमले में घायल मछली आरती ने दम तोड़ दिया। महिला ने युवक को अपनी बच्ची सौंपी, अपहरण का हल्ला मचाया।
तो 2 दिन पहले महिला की गोद से 2.5 माह की बच्ची को छीनकर ले जाने की घटना पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला ने बच्ची को युवक को सौंपकर अपहरण का ड्रामा रचा था। पुलिस टीमें देर रात अलवर राजस्थान से बच्ची और उसे ले जाने वाले युवक को लेकर गदरपुर पहुंची। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2,500 रुपये का इनाम का ऐलान किया है। आपकी सरकार बनी तो घर पर मिलेगी 140 सुविधाएं, तो सिसोदिया सरकारी कर्मचारी घर घर पहुंचेंगे, नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर।